दिस पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बोन केयरिंग नेचुरली। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने चित्रकूट में सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आगुरोग धाम में हुई इस मुलाकात में धर्मांतरण और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट में साधु संतों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने ट्रस्ट में दो जगतगुरु, तीन अड़ियों व श्री महंत को पदेन सदस्य बनाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व महामंत्री के साथ ही अन्य साधु संतों को भी शामिल करने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि ट्रस्ट में आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अखाड़ा परिषद की ये मांग सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस मौके पर संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को हनुमान जी का टीका और आशीर्वाद दिया है। गौरतलब है कि इन दिनों चित्रकूट में संघ के नेताओं का जमावड़ा लगा है। 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई थी। 11 और 12 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ बैठक हुई है, जबकि मंगलवार 13 जुलाई को अखिल भारतीय के विभिन्न संगठनों के संगठन मंत्री और सचिवों के साथ वर्चुअली बैठक में मोहन भागवत शामिल होंगे। ये बैठक भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के कर्मस्थली में हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की पाठशाला में संघ की आगामी रणनीति को लेकर जहां विचार मंथन चल रहा है, वहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के यूपी चुनाव को लेकर भी संघ आगामी रणनीति बना रहा है। आज दिनांक 12 जुलाई को संघ प्रमुख आदरणीय भागवत जी की मेरी भेंट जगतगुरु रामानंदाचार्य, आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी के साथ हुई। चर्चा में धर्मांतरण के विषय में भी आया और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के विषय में भी आया। हमने ये मांग की है कि ट्रस्ट में दो जगतगुरु और तीनों अनियों के श्री महंत पदेन, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री एवं अधिक से संख्या में संतों का समावेश किया जाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्ल्ड कप में पहली बार भारत को विजेता की ट्रॉफी दिलाने वाले यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्रिकेट जगत की सभी हस्तियों ने आज यशपाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वर्ल्ड कप विजेता टीम में अब उनके कैप्टन रहे कपिल देव तो आज इस समाचार को सुनकर इतने आहत हुए कि वो स्क्रीन के सामने ही रो पड़े। यशपाल शर्मा की उम्र 66 वर्ष की थी। यशपाल शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1979 में अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि 1983 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। यशपाल शर्मा ने 1978 में वनडे डेब्यू किया था और 1985 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। संगम न्यूज़ परिवार की तरफ से दिवंगत यशपाल शर्मा को शत शत नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। भाजपा विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि दो बच्चों से ज़्यादा जिसके हों उसको जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह से बच्चे छोड़कर देश की तरक्की और विकास मांगा जाए। उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्ग को किसने सांसद बना दिया, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा कलंक है जो प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। पूरे देश में खासतौर से यूपी में जनसंख्या कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनसंख्या कानून को लाने में उन्होंने योगी जी को बधाई दी है। मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे थे विधायक संगीत सोम,
जिन्होंने ये बातें कही। मुझे लगता है आज पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस सब की बहुत जरूरत है। जनसंख्या एक बहुत बड़ा कलंक और एक बहुत बड़ा प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। मैं योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये शुरुआत की है और जनसंख्या पे बिल्कुल एकदम कानून लाना चाहिए। दो बच्चे से ज़्यादा पैदा हों तो मेरा तो ये मानना है कि जो दो बच्चे से ज़्यादा पैदा करे उसे जेल में डाल देना चाहिए। मुझे नहीं पता वर्क जैसे आदमी को किसने सांसद बना दिया। अल्लाह की देना, अल्लाह से बच्चे छोड़ के कुछ और मांगे, देश की तरक्की मांगे, विकास मांगे, बच्चे दो ही मांगे, इससे ज़्यादा ना मांगे। योगी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी आपत्ति दाखिल करनी शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक आयोग को एक पत्र भी लिखा है और मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे से एक बच्चे के मापदंड को हटाया जाए। सोशल मीडिया में प्रयागराज के एक सिपाही द्वारा जुआनियों से धन उगाही करते वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं मंदिर परिसर में जुए की फड़ लगी हुई है, जहां वो सिपाही आता है, इसके बाद कुछ बातें करता है व जुआ खेलने वालों से बाकायदा धन उगाही करता है। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो अरेल के किसी मंदिर परिसर के आसपास का है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। द न्यूज वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बून केयरिंग नेचुरली।